श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज है नवरात्रि का गुरुवार और आज की रात्रि में आपको बहुत ही प्यारा सा उपाय करना है। और नवरात्रि के गुरुवार के दिन मात्र एक चुटकी हल्दी से आपको बहुत ही अचूक उपाय करना है, जो आपके जीवन से दुर्भाग्य को दूर करेगा, जो आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि करेगा। बहुत ही आसान सा ये उपाय है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके, समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, ये जो उपाय है आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर करने वाला है। यानी कि यदि आपके जीवन जो है दुर्भाग्यशाली बीत रहा है, कोई काम आपको होता नहीं है, घर में रोग की स्थिति बनी हुई है, घर में क्लेश का माहौल रहता है, तो आपको माता रानी की इस दिव्य रात्रि में आपको ये अद्भुत उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने मात्र से आपके घर में शांति आएगी, शीतलता आएगी, प्रेम भाव बढ़ेगा, साथ ही साथ आपका व्यापार अच्छा चलेगा, आपके घर से दुर्भाग्य दूर होगा, नकारात्मक शक्तियाँ दूर होगी, सौभाग्य की वृद्धि होगी। बहुत आसान सा उपाय है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। देखो, करना क्या है। सबसे पहले एक स्टील का पात्र लेना, उसके अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना, उसके अंदर शुद्ध जल मिलाना और उसके बाद एक चुटकी हल्दी आपको ओम एम रीम क्लीम चामुंडा विच्चे इस मंत्र का 108 बार जाप करके, या तो आप 11 बार जाप करें, और ये एक चुटकी हल्दी आपको जल के पात्र के अंदर डाल देनी है। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं 11 बार, ये एक चुटकी हल्दी आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है। अब इस जल के पात्र को आपको ले जाना है कहाँ पर? तुलसी जी के वहाँ पर। जो भी तुलसी माता का पौधा है, जहाँ कहीं भी उनका स्थान है, वहाँ पर आपको जाना है और ये जो जल है आपको अर्पित कर देना है इस नवरात्रि पर। ध्यान रखें, ये नवरात्रि के गुरुवार के दिन ही अर्पित किया जाता है, जो आपके दुर्भाग्य को दूर करता है। ये उपाय आपको सूर्यास्त के पहले पहले कर लेना है। ध्यान रखना, ये उपाय करने मात्र से आपका जीवन जो है वो चमकने लगता है, यानी कि किस्मत जो है वो चमकने लगती है, रूठी किस्मत भी चमक जाती है। देखो, अगर आपको नवरात्रि के, जैसे कहते हैं ना कि दिव्य रात्रि सबसे ज़्यादा पावन होती है, तो आप नवरात्रि के रात्रि में भी एक उपाय कर सकते हैं। केवल गुरुवार के दिन क्या करना है, एक लंबी बाती का एक दीपक तैयार करना है, जो मौली के रंग की बाती होनी चाहिए, यानी कि लाल रंग की बाती होनी चाहिए मौली की। उस दीपक के अंदर आपको घी भरना है, एक चुटकी हल्दी डाल देना है और उस दीपक को आपको नवरात्रि की दिव्य रात्रि में लगभग 8 बजे के करीब आपको तुलसी जी के वहाँ पर ये अर्पित कर देना है। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का 11 बार या 108 बार जाप करने के बाद आपको तुलसी जी की मिट्टी आपको लेना है। ध्यान रखना, नवरात्रि के अंदर अगर आप तुलसी जी की मिट्टी गुरुवार के दिन लेते हैं तो आपके जीवन से सारी समस्या दूर होती है, संकट दूर होते हैं। इसीलिए आपको ये सुंदर सा प्यारा सा उपाय करना है। क्या करेंगे, जो मिट्टी है वो आपको ले लेना है। अब आपके घर में एक कांच का जो ग्लास होता है उसके अंदर जल मिलाना, उसके अंदर ये मिट्टी डालना, उसके अंदर एक चुटकी हल्दी डालना और उसे पूरा मिला देना, ठीक है। और उसके बाद आपको इसका छिड़काव पूरे घर में करना है। ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करते हुए आपके घर के मुख्य द्वार से पूरे घर में इसका छिड़काव करें। अशुद्ध स्थानों पर आपको छिड़काव नहीं करना है, साथ ही साथ घर में रहने वाले सदस्यों के ऊपर भी आपको इसका छिड़काव करना है। इस उपाय को करने मात्र से उनका जीवन सुखमय बनता है, दुर्भाग्य दूर होता है, घर से गृह क्लेश दूर होता है। इसीलिए आपको ये सुंदर सा उपाय कल नवरात्रि के गुरुवार के दिन आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।